अब हम इस लेक्चर में डबल डिफरेंशियल की बात करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इफ वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, अब लॉग एक्स का होगा तो वन बाई एक्स, प्लस बी साइन का हो गया कोस लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स। अब हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों हट गए, तो क्या हो गया एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स ये हट गया और प्लस बी कोस लॉग एक्स। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन का हम वापस से डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये बेटा ये दो फंक्शन है, तो पहले डी वाई डी एक्स का कर लेते हैं, एक्स डी वाई डी एक्स का डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स का वन डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन का कोस लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस बी कोस का माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स। अगेन अपॉन में एक्स आ रहा है तो अगेन सारी इक्वेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ए कोस लॉग एक्स ये हट गया माइनस बी साइन लॉग एक्स। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप ये देखिए ये वाई के इक्वल आ रहा है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और इधर आएगा तो हमारा ये प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और हमें यही प्रूव करना था। चलिए आज के लेक्चर की हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से उसको प्रूव करना है। देखिए ए वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, then prove that 1 minus x square d2y by dx square minus x d by dx equal to g। ये हमें प्रूव करना है, देखना बेटा y equal to sin inverse x differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अनरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि ये रूट आ रहा है तो मेरा ट्रिक ये बोलता है कि आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो बेटा रूट का स्क्वायर करोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हमने स्क्वायरिंग कर दिया। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो ये एज इट इज मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पहले पावर का टू डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स का हो गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव जीरो होगी। ध्यान से देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स सब में से कॉमन आ रहा है, तो जैसे 2 डी वाई बाई डी एक्स हटा दिया हमने तो यहाँ ये बचा और यहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और हमें यही प्रूव करना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमें इसमें प्रूव करना था। अगली प्रॉब्लम लेते हैं इसी थ्री, इफ वाई इक्वल टू देखिए अगली प्रॉब्लम, इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस एच डिवाइडेड डी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये हमें इसको प्रूव करना। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डिवाइडेड डी एक्स, पहले पावर का होगा 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन, ये अपॉन में आ रहा है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अगेन ये रूट आ गया तो मैंने क्या बोला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो जैसे हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। बेटा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हमारा y के इक्वल है तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पहले 2 डीवाई बाई डी एक्स और डीवाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 4y का डीवाई बाई डी एक्स। अब 2 डीवाई बाई डी एक्स देखो सब में से कॉमन आ रहा है तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। सेम मेथड है सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, जो भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। और जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो टू डिवाइड डी एक्स हमेशा कॉमन आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, If y equal to cosec inverse x, then prove that x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, x x स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है। देखिए y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx माइनस 1 अपॉन मॉडुलस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया अपॉन में आ रहा है ये, तो इसको आप इधर ले लीजिए, जो भी अपॉन में आ रहा है उसको इधर ले लीजिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्या, मोड एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, नाउ दिस इक्वल टू 1। दो फंक्शन बना लीजिए, तीन की जगह इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में, डिफरेंशिएशन करने में इजी हो जाए। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले मैं पावर किसका कर रहा हूँ तो 2 डीवाई बाई डी एक्स और डीवाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब मैं इसका कर रहा हूँ x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 2x डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स
तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी 2, ये तो बचा आपका x भी गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा इसका प्रूफ होगी आर एच एस हैंड्स फूड। नेक्स्ट इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अनरूट 1 माइनस x स्क्वायर देन प्रूव दैट प्रूव करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जी, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस अनरूट को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये आ गया साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y अनरूट का 1 अपॉन 2 अनरूट 1 माइनस x स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x डिवाइड बाय dx, भाई अनरूट का 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस x स्क्वायर सॉरी डिवाइड बाय dx क्यों आएगा, नहीं आएगा, और माइनस 2x। अब y का कर लेते हैं डिवाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ना स्क्वायरिंग बोथ साइड और स्क्वायरिंग मत करो, अनरूट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई हो गया, ये डी वाई बाय डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 1। Now again differentiating with respect to x, तो माइनस वन इंटू वाई माइनस एक्स वाई का डी वाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, तो देखो माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इफ y x इक्वल टू tan ब्रैकेट में 1 बाई ए log में then prove that 1 plus x square d2y by dx square plus 2x square minus 1 1 plus x square d2y by dx square plus 2x minus 8 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। देखिए टेन को चले आइए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना बेटा, टेन को लाना पड़ेगा ए टेन इनवर्स एक्स लॉग वन, अब डिफरेंशिएट करेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय वाई लॉग वाई का और वाई का डिवाइड dx, यह आ गया 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx इक्वल टू ए वाई। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज
डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी वाई वाई डी एक्स और ए डी वाई वाई डी एक्स, तो ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ए डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज द डेरिवेटिव, ये हमें प्रूव करना था।